अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाएं पीएमवाईटी कोड और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट। पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिए पीएमवाईटी कोड लगाना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि उड़ीसा की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 4,770 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज गाइस यहाँ पे रिलीज की गई है नर्सिंग ऑफिसर की, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 14 मई से लेकर के 12 जून के बीच में। अब गाइस यहाँ पे बात करेंगे आपके पे स्केल की और साथ में मंथली रेमुनरेशन की। तो मंथली रेमुनरेशन की बात करें तो 15,000 यहाँ पे रहने वाला है। पे स्केल की बात करेंगे तो 29,200 से लेके 92,300 तक आपका पे स्केल रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। आगे बात करेंगे गाइस, बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट की। तो 21 साल से लेकर के 21 इयर्स आपकी जो है यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है और 38 इयर्स यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी गिवन है, तो आप इसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे 12th पास किया हो अंडर 10+2 एजुकेशन सिस्टम, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो जेएनएम में आपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो किसी भी मेडिकल कॉलेज से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड हो। और साथ ही गाइस आप लोगों का यहाँ पे नेम रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल इन दी स्टेट, यानी जो स्टेट की नर्सिंग काउंसिल है उसके साथ आपका जो नेम है वो रजिस्टर यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में गाइस आपको यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज जो है वो लिखनी बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप लोग कहाँ से अप्लाई करेंगे? तो आप लोग यहाँ पे www.ossc.gov.in पे जाकर के अप्लाई करेंगे, और अदर डिटेल्स भी गाइस आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएंगी इस वैकेंसी से रिलेटेड। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गाइस आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस पीएमआईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं एकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीपीएस, स्टेट पीएससी, यूजीसी, नेट, आईआईटी, जेईई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।